नमस्कार प्रणाम। हम के राज और आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। चलिए आप सभी को कुछ बातें हैं जो सुजीत मेहता पे उठ रही है, जिस बातों को आप सभी को बताते हैं और आप लोग भी कहिएगा क्या ये गलत हो रहा है कि सही। पहली बात तो जो औरंगाबाद के एसपी डीएसपी है, जो पुलिस प्रशासन है, उन लोगों ने अभी तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, पहला सवाल ये उठता है। दूसरा ये उठता है जिस आधार पर चंदन जो बयान की दिया था उसमें बोला गया था कि चंदन के साथ ही माने ये तो सुजीत मेहता जी गए हुए थे बाजार, जहाँ पर उनका एनकाउंटर हुआ, गोली लगा और उसके बाद गिर गया। उसके बाद ये बहुत सारे सवाल उठता है इन पर, लेकिन इस पर अभी तक कोई न्यूज वाला, कोई बड़ा न्यूज वाला इस चीज़ पे कवर नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ के सभी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आप लोग को भी समझ में आए। उसके बाद ही कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में। तो पहला बात होता है कि सुजीत मेहता का मर्डर होता है, कब होता है, जब वो बाजार जाते रहते हैं, वहाँ पे जिस आधार पे चंदन जी बोले हुए थे कि आए हैं, तो चंदन वही लड़का है जो उनके साथ गए हुए थे बाजार और उनका फिर इनकाउंटर हुआ। वो बाइक लेके बोल रहे थे हम गिर गए नहर में, उसके बाद उठे तो दो लोग थे, दो लोग का नाम जी उन्होंने बताया कि दो लोग या दोनों लोग थे जो जिन्होंने इनकाउंटर किया। तो पहली बात तो चंदन यादव, चंदन को सुरक्षा में रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनका भी जान का खतरा है। दूसरी बात कि वहाँ के एसपी डीएसपी लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, जबकि कानूनी कार्रवाई में अब पहले नहीं लेकिन अब बिहार में लागू है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, अगर आप घर छोड़ के भाग जाते हैं तो आपके परिवार वालों को पुलिस प्रशासन उठा लेगा। उसके बाद में अगर आप सरेंडर करते हैं, आप वहाँ चले जाते हैं, उसके बाद परिवार वालों को छोड़ दिया जाएगा। तो अभी तक आखिर क्यों नहीं अरेस्टिंग हुआ है? 12 तारीख तक का टाइम था कि लास्ट 12 तारीख तक अरेस्ट हो जाएगा, जो भी मुजरिम है सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, कहीं से कहीं था, अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, आपको इससे पहले बता दें कि इससे पहले भी सुजीत मेहता का पिता का भी हत्या हुआ था, जिस पर कुछ नहीं हुआ था और एसपी डीएसपी लोग जो हत्या किया था उसके घर तक भी नहीं गए हुए थे। तो इस तरीके का बातें, बहुत सारे सवाल है जो कि उठ रहा है कि आखिर सुजीत मेहता के हत्यारे को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है, और अगर वहाँ के अगर इसमें भी अगर एसपी डीएसपी का हाथ है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर रहेगा तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और जिस तरीके से उनका मर्डर हुआ और उनके पिता का हुआ, उनके पत्नी के पिता का हुआ, इस तरीके से बहुत सारे मर्डर वहाँ मतलब उस घर में हुआ है, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि हमको लगता है कि वहाँ के पुलिस प्रशासन साथ है। दूसरी बात करते हैं चंदन यादव, चंदन के बारे में जो कि उनके साथ गया, उनका कहना है कि हम दोनों को बाजार जाना था, जिसमें उनकी पत्नी को भी जाना था, सुजीत मेहता जी के पत्नी को भी। सुजीत मेहता के पत्नी जो कि वो अपने साला के साथ जा रहे गए, और ये सुजीत मेहता और ये चंदन दोनों अपने मतलब बाजार निकल गए। निकलने के बाद वहाँ पे इन्होंने कोवर उवर लगवाया फोन का, जो भी बात है, उसके बाद उसके पीछे थे सुजीत मेहता के पत्नी और उनका जो साला था, वो मतलब दोनों साथ में थे। और कुछ देर बाद मतलब कुछ दूर जाने के बाद वो पीछे ही थे, तो उधर से आते वक्त लौटते वक्त पुल पे उनको इनकाउंटर किया गया। और जिस हिसाब से चंदन बोल रहा है तो उसको इनकाउंटर किया गया पीछे, तो बाइक पर से गिर गया और उसके बाद क्या कहते हैं चंदन ने उसका बैलेंस खराब हो गया तो नहर में जाके पानी में गिर गया। उसके बाद उसने उठ के देखा तो दो लोगों का चेहरा, जिसका बार बार बता रहे हैं, उसका वीडियो भी डाल चुके हैं, अगला पिछला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने दो लोग का देखा, दो लोग का नाम बताया, बोल रहा है कि और लोग को नहीं जानते हैं कि मतलब और लोग वहाँ पे कौन थे। तो ये सारी बातें हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो कि सवाल उठ रहे हैं। और तीसरी बात आप सभी को कहना चाहते हैं कि वहाँ के मीडिया वाले, सच तक न्यूज वाले जैसे मनीष कश्यप, आरआर न्यूज, बहुत सारे बड़े न्यूज यूट्यूबर न्यूज है जो कि हर एक जगह बिहार में कुछ भी होता है, कोई भी मामला गरमाता है तो वहाँ पे जाके वीडियो बनाते हैं, तो इनके पास भी टाइम नहीं है यहाँ आके बोलने का। शायद इनको भी पैसा मिला है कि हाँ यहाँ पे आके नहीं बोलना है, इस मैटर पे नहीं बोलना है, क्योंकि इतना विवाद होने के बाद नहीं तो कोई बड़ा मीडिया कवर कर रहा है इस चीज़ को। सिर्फ एक दिन कवर किया है बिहार झारखंड न्यूज, जिस दिन हत्या हुआ था, उसके बाद कोई भी न्यूज़ चैनल वाला इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर रहा है। जो छोटा मोटा यूट्यूब चैनल वाले वो लोग डाल रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है कि जो बड़े न्यूज़ चैनल वाले, जो चर्चित न्यूज़ चैनल वाले हैं बिहार के, वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा। और इतना ही नहीं, आप सभी को बता दें कि वहाँ पर बहुत सारे कैंडल मार्च निकला गया, बहुत दिन रोड जाम हुआ है, फिर भी कोई न्यूज़ चैनल वाला कवर नहीं कर रहा है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें भी बड़े बड़े लोगों का हाथ है और इस चीज़ का लोगों को दबाया जा रहा है, केस को ख़त्म किया जा रहा है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे आवाज़ उठाते रहे, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तो उनको इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप पुलिस का रवैया है, कार्रवाई हो रहा है, उस तरीके से थोड़ा भी नहीं लगता है कि जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिलेगा। संतोष रेणु यादव, तेजस्वी यादव कुछ दिन मतलब आजकल में पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। संतोष रेणु यादव भी पहुँचे हुए थे वहाँ, डीएसपी को बहुत सारे गलत बात बोले, और जिस बोलना जायज़ भी है, क्योंकि अभी तक उनका कार्रवाई नहीं हुआ है और अभी तक कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है। इसे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ के एसपी डीएसपी का भी इसमें हाथ है। और आप सभी लोग दबा के वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पहुँचे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई
कार्रवाई हो, जांच हो, क्योंकि जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है हमको नहीं लगता है कि बहुत जल्द पकड़ा जाए। इतने जनसंख्या में लोग जाने के बाद, इतने आवाज़ उठाने के बाद भी कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से केस को दबाया जा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस खेल में बहुत लोग शामिल है, क्योंकि जब चंदन और क्या कहते हैं सुजीत मेहता जब निकले घर से, उन लोग को कैसे पता था कि हाँ ये आदमी घर से निकला हुआ है। अभी 3-4 घंटे बाजार में घूमने के बाद, यानी कि उसके पीछे कोई आदमी था जो बता रहा था कि यहाँ पे गया है, ये कर रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे सारी बातों को कि हम क्या कहना चाहते हैं, और इस पर वीडियो आते रहेगा, और आपका क्या राय है कमेंट में जरूर कीजिएगा और बताइएगा, ताकि जाके इस पर भी वीडियो बना सके। और बहुत जल्द आप सबके बीच में एक नई वीडियो डालने वाला है जिसपे आक्रोश रैली निकाला जाएगा, और आने वाले आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो।